गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है। हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि कौन सा वर्ड किसने यानी कौन सा जो वर्ड है वो किस अक्षर पे आता है, तो ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को हमने देखा था और आज उसी पर हम प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, उसके आगे के सारे क्वेश्चन करने चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम लिखते हैं LQCFCD। तो आपको ये बताना है कि ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। तो बस, तो सबसे पहले इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो हम क्या करेंगे कि इसमें ये चेक करेंगे कि कौन सा लेटर जो हमारा है, कौन सा अक्षर जो है किस नंबर पे आता है। जब ये चीज़ हम देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा उसमें आखिर हो क्या रहा है, कोई चीज़ ऐड हो रहा है या कोई चीज़ जुड़ रहा है या कोई चीज़ घट रहा है, तो वो देख लेंगे। जैसे कि आपको पता है जी का 7 होता है, एल का आपका 12 होता है, ए का 1 होता है, एक्स का 24 होता है और वाई का 25 होता है। L का 12, अब देखिए L का 12 होता है, Q का 17, F का 6, C का 3 एंड D का 4 होता है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि अब ये हमारा 7 था, अब ये 7 से यहाँ पे क्या हो जा रहा है 12, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 और जुड़ जा रहा है, तभी तो 12 होगा। 7 और 5 होगा 12 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 12, अब 12 से 17 हो जा रहा है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं 5 ऐड हो रहा है। यहाँ हमारा 1 है, ए हमारा 1 पे आता है, उसके बाद यहाँ पे F है, F हमारा 6 पे आता है, तो 1 में फिर कहीं ना कहीं 5 जुड़ा हुआ है, तब जाके हमारा 6 हो गया है। इसी तरह हमारा ये देखिए, ये हमारा 24 है। अब आप इसको देखिए, अब आपको इसमें ये लगेगा यहाँ 24 था, और 24 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो लेटर होते हैं वो 26 ही होते हैं, 26 से ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब 26 से जब ज़्यादा जाता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, फिर हम उसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 27 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर जाके हमारा वो नंबर मिल जाता है जब आपको हमने अपोजिट नंबर निकालना बताया था, तो उसमें ये चीज़ समझाई थी। तो ये चीज़ आप देख लीजिए फिर अब क्या होगा, और ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करिए, यहाँ एक्स है, अब इसमें 5 को ऐड करना है तो क्या करेंगे, एक्स के बाद वाई आएगा, फिर जेड आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका सी आएगा। तो देख रहे हैं, ये इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका वाई, वाई 25 होता है, 25 होता है, अब उसके बाद यहाँ 4 हो जा रहा है, फिर से वही प्रोसेस हम करेंगे इन सब में। प्रोसेस क्या है कि अगर आपको उस तरह समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो बस वही तरीका आप करिए। 27 में से अगर आप यहाँ पे ये चीज़ हो गया, अब यहाँ 25 था, 25 का मतलब वाई, अब इसमें 5 जोड़िए, वाई के बाद जेड होगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका अगला लेटर आएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो प्रोसेस इसमें हुआ है सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें हुआ क्या है, सब में कहीं ना कहीं 5 ऐड हुआ है, सब में 5 ऐड हुआ है, हमें ये पता करना है कि ऑर्बिट का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको इसको बताएंगे। हाँ तो दोस्तों अभी आपको पता है कि जैसे हमने जो प्रोसेस उसमें किया है सेम वही प्रोसेस में भी करना है हमें। अब सब में 5 ऐड हो रहा था, अब वही चीज़ में करेंगे। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ओ हमारा किस पे होता है, 15 होता है, आर हमारा 18 होता है, बी आपका कितना होता है, 2 होता है, आई आपका 9 होता है, टी आपका 20 होता है, बस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आप 5 को ऐड करिए, जब आप इसमें 5 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे वही नंबर आएगा जो उसमें जुड़ने पे आएगा। 15 में 5 ऐड करोगे 20 आएगा, और 20 पे आपको पता होना चाहिए कि 20 पे हमारा क्या होता है, टी, ठीक है। आर आ गया, इस आर वाले लेटर में अब हम क्या करेंगे, फिर से 5 जोड़ेंगे, जब 5 आप इसमें जोड़िएगा तो आर 18 है, अगर 18 में आप 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। जब 18 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23, और 23 का कितना होता है, 23 ये आपका हो जाएगा W, ठीक है। अब आता है आपका B,
अब इस बी में आप क्या करोगे, फिर इसमें 5 जोड़ोगे। जब आप इसमें 5 जोड़ दोगे तो यहाँ 2 था और 5 आपने ऐड कर दिया तो हो जाएगा 7, और 7 का मतलब क्या होता है जी, 7 का मतलब क्या होता है जी। अब बात आती है फिर आई पे, अभी इस आई में आप सिर्फ कितना ऐड करोगे 5, आई बोले तो 9, 9 में अगर आपने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 जब हो जाएगा तो 14 कितना होता है 14 मतलब n। अब बात आती है 20, अब 20 में आप 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, 25 का मतलब y, ये कितना हो गया ये 20, ये 23, ये आपका g, 7, ये कितना 14, ये कितना 25, 20 में 5 जोड़े 25, 9 में 5 जोड़े 14, 2 में 5 जोड़ा 7, 18 में 5 जोड़ा 23 और 15 में 5 जोड़ा 20। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, सब में 5-5 जुड़ रहा है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इस अब इसी में क्वेश्चन में हम इसके दूसरे टाइप पर चलते हैं और आपको इसमें दूसरा टाइप इसका बताते हैं कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है और क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने अभी इसका एक टाइप देखा है, इसका दूसरा टाइप है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी चीज़ें थी उसमें हम लोगों ने केवल ऐड किया था, सारी चीज़ों को हम ऐड करके प्राप्त कर रहे थे। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अब आपको इसमें ऐड भी होगा, सबट्रैक्ट भी होगा, यानी जोड़ा भी जाएगा, घटाया भी जाएगा, तो उन चीज़ों को देखते हैं कैसे इसमें क्या होता है। तो आपको पता है पी का मतलब 16, 5, 18, 19, ये आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका क्यू, क्यू मीन्स 17 और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपको दो चीज़ें हैं, आपको नंबर का कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये जान लेंगे तो फिर ये आपको बहुत आसानी से आ जाएगा और बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 16 है, अगर इसमें ये देखा जाए तो पहले 16 था लेकिन अब कितना हो जा रहा है 17, तो कहीं ना कहीं इसमें 1 प्लस हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए सेकंड वाले में देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि वहाँ 5 था तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जा रहा है -2 हो जा रहा है। यहाँ पे 18 है तो 18 के बाद कितना हो जा रहा है 21, तो इसमें कितना ऐड हो जा रहा है +3। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 19 से क्या हो जा रहा है, यहाँ आपका 19 है और 19 से कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जा रहा है -4 हो जा रहा है, यानी 19 में से 15 हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें से 4 घट गया है, तो वही 4 आपका माइनस हो गया है। अब यहाँ देखिए 15 है, अरे 15 से कितना हो जा रहा है 20, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जा रहा है 5 इसमें और जुड़ जा रहा है, 5 और क्या हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है। अब यहाँ पे आता है 14, अब 14 देखिए यहाँ था, अब 14 से 8 हो गया तो कहीं ना कहीं ये भाई ज़्यादा था, अब ये कम हो गया तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जा रहा है घट जा रहा है। घट जा रहा है मतलब क्या है, ये 14 था और ये आपका 8 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, वो भी कितना 6 माइनस हो गया। तो आप देखिए इसमें अल्टरनेट क्रम में हो रहा है, पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, फिर 6 घट रहा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, जुड़ और घट दोनों रहा है। तो हम लोग सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारा रिपोर्ट का क्या हो जाएगा। तो हम रिपोर्ट के लिए क्या करेंगे, पहले हमें सबके लिए नंबरिंग कर लेनी है, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर हमारा किस अक्षर पे है। तो बस R का मतलब 18 होता है, E का मतलब 5 होता है, P का मतलब 16 होता है, O का मतलब 15 होता है, R का मतलब 8 होता है, T का मतलब 20 होता है। तो बस सेम प्रोसेस हम इसमें भी कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 18 में हमें कितना करना है, 1 ऐड करना है। अगर 18 में 1 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 का मतलब क्या होता है S, ठीक है। दूसरे में क्या है, यहाँ 5 है और इस 5 में आप क्या करोगे, आप 5 में 2 आप अब यहाँ पे 5 है, अब इसमें से 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 घटाना ही तो है, सेकंड में हमने घटाया था तो इसमें घटाना है। तो अगर आप ई यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 बचेगा, 3 का मतलब क्या हो जाएगा C, ठीक है।
अब बात आती है पी की। अब यहाँ थर्ड में आपने क्या किया था, प्लस थ्री किया था, अब यहाँ 16 है, आप थ्री और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19 का मतलब एस। अब यहाँ ओ है, ओ का मतलब 15। अब सेम प्रोसेस, सारे प्रोसेस वैसे ही होंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब यहाँ पे देखिए अब कितना है 15। अब 15 में से हमने क्या किया था, थर्ड में माइनस फोर किया था, अगर आप 15 में से माइनस फोर कर देंगे तो अब कितना बचेगा 11। 15 में से अगर आप माइनस फोर कर देंगे तो 11 बचेगा, 11 का मतलब होता है के। फिर बात आती है 18 की। अगर 18, अब इसमें क्या करेंगे 18, अब यहाँ 18 था, 18 में अब हम क्या करेंगे प्लस 5 कर देंगे, अब प्लस आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 का मतलब क्या हो जाता है W, ठीक है। अब बात आती है 20 की, यानी T की, और इस T का मतलब होता है 20, और उसमें क्या किया जा रहा है माइनस 6 कर दिया जा रहा है, अगर 20 में से आप माइनस 6 कर देंगे तो वो क्या बचेगा 14, क्या बचेगा 14, और 14 का मतलब क्या होता है N। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि सबको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ये हमें अगर आपको कहीं इसमें डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं अब इसके थर्ड टाइप पे चलेंगे जो हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि अभी तक उसमें ऐड हो रहा था, जुड़ रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, और अब हम ये देखते हैं कि अब थर्ड हमारा जो है इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, यानी अपोजिट। कहने का मतलब इसमें अपोजिट वाले वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कैसे। C का मतलब आपका 3 होता है, H का मतलब 8 होता है, R का मतलब 18, O का मतलब 15, M का मतलब होता है आपका 13, O A का मतलब होता है 1, X का मतलब आपका होता है 24, S का मतलब होता है 19, I का मतलब होता है 8, I का मतलब होता है 9, L का मतलब होता है 12, 14, 26। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल हमें समझना है बस, ऐसा ही, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब अच्छा ये देखिए पहले कि यहाँ 3 है, यहाँ 24 है। हमने आपको ये बताया था कि जब अगर दो नंबर को हमने ऐड कर दिया, मान लो यहाँ पे 23 ही है और यहाँ हमने इसमें क्या ऐड कर दिया 4 ऐड कर दिया, अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद 27 आ जा रहा है, किसी भी दो नंबर को हम ऐड करेंगे अगर उसको ऐड करने पर 27 आ जा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये 23 जो होगा ये अपोजिट होगा किसके 4 के। मींस 23 का मतलब क्या होता है, 23 का मतलब आपका ये होता है कि मान लीजिए W हो जाएगा, ठीक है, और W का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 का मतलब D। तो कहने का मतलब ये है कि D जो है वो W का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 और 23 को हम ऐड करेंगे और 27 हमें मिल जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे। कोई भी नंबर होगा, कोई भी लेटर हो, अगर क्योंकि जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, अगर जब उसका हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, अगर ऐड करने के बाद हमारा 27 आ जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो नंबर जो होगा जिन दोनों को हमने ऐड किया है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो हम इसके आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे। और आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आपका क्या है, ये 3 है, अब 3 को हमने यहाँ 24 है, अगर इन दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया तो आप बताइए 27 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 8 है, अगर 8 को हमने 9 से ऐड किया तो 27 होगा, 19 से ऐड किया तो 27 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसी तरह हम सबको ऐड करेंगे तो जितने भी हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। बस अब आपको यही बताना है कि इसी तरह सेम प्रोसेस में करना है कि जनरेट का कोड क्या हो जाएगा। तो पहले आप ये समझिए कि जी का कितना होता है, जी का होता है आपका 7, ई का 5, एन का कितना होता है यह आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिखा हुआ है, आप नंबर को समझ लीजिएगा, ठीक है, बस प्रोसेस को आप समझ लीजिएगा। अब आप ये समझिए कि यहाँ 27 है, यहाँ मतलब 7 है,
अब इस चीज़ में हमेशा कौन सा वर्ड ऐड कर दें कि हमारा 27 हो जाए, तो कहीं ना कहीं कितना ऐड करेंगे 20, और 20 का मतलब क्या हो जाएगा टी, तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो ये नंबर होगा वो कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी हाँ बिल्कुल आ रही होगी। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा सेम उसी तरह, यहाँ आपका 5 है, अब 5 में हमेशा क्या ऐड कर दें कि 27 हो जाए, तो हम 22 ऐड करेंगे, और 22 का मतलब जो होता है वो होता है हमारा वी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कितना 12, अब 12 में आप कितना ऐड करोगे कि 27 हो जाए, तो 12 में आप 15 ऐड करोगे, तब जाके आपका कितना हो जाएगा 27, तो कितना ऐड करोगे 15, और 15 का मतलब क्या हो जाता है ओ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को क्या होगा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये चीज़ जो यहाँ पे n है, इसका हो जाएगा ये आपका 14, कितना हो जाएगा 14, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो जो 14 है तो 14 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 14 में हम कितना ऐड करेंगे हमारा 27 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13, और 13 का मतलब क्या होता है m। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आइए, यहाँ आता है आपका 5, अब 5 में आप फिर वही बात, 5 में कितना ऐड करेंगे, आपने पहले ही देखा है 22, तभी होगा हमारा 27, तो 22 का मतलब कितना v। ठीक है, फिर आता है 18, 18 में आप कितना ऐड करोगे 27 हो जाए, तो 18 में आप कितना ऐड करोगे 27 हो जाए 9, तो 9 का मतलब क्या होता है 9 का मतलब i। ठीक है, तो आप इतना ऐड करोगे, और फिर आता है 1, 1 का मतलब कितना होता है a, 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ a, और 1 में 26 ऐड करोगे, 26 का मतलब होता है z, कितना 26 का मतलब z, तो आपको 27 हो जाएगा। और यहाँ पे आप आ जाइए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 20 में कितना ऐड करोगे 7, और 7 का मतलब क्या होता है g, तो कितना हो जाएगा 27, लास्ट में बचता है e, बोले तो 5, 5 में फिर कितना आप ऐड करोगे 22, और यहाँ पे कितना ऐड कर दोगे v। तो कहने का मतलब ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे ऐड किया है, जहाँ पे अपोजिट देखना है वहाँ अपोजिट देखा है, प्लस किया है माइनस किया है, यानी लगभग हर टाइप्स के देखे हैं। अभी और एक दो टाइप्स के आपके हैं तो आपको बता दिया जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अभी हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब उसका नेक्स्ट टाइप है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अब यानी एक अक्षर के आपके दो दो कोड मिलेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि ए उसमें कहीं ऐड हो रहा था, कहीं सबट्रैक्ट हो रहा था, कहीं वो अपोजिट हो रहा था या उल्टा उसका हो रहा था, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि एक ही अक्षर का, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ 3 लेटर हैं 1 2 3, और यहाँ पे हो कितना गया है 6, तो कहीं ना कहीं एक लेटर का दो कोड बन रहा है, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो बस पहले की तरह हम फिर से वही चीज़ करेंगे, सबकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या, डी, डी आपको पता है 4 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है, और जी आपका कितना होता है 7 पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे अब ये हो क्या रहा है, अब यहाँ पे ये बी, बी का मतलब 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ये एम, एम का मतलब 13, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 14, ये 5 और ये 6। तो अब आपको ये देखना है कि एक, ये तो हमें समझ में आ गया है कि एक लेटर का दो कोड बन रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ डी लिख दें, और डी हमारा ये 4 है, तो कहीं ना कहीं इसके दो कोड बन रहे हैं। अब दो कोड कैसे बन रहा है वो खाली देखना है, अगर यहाँ हम बी लिखते हैं और यहाँ सी लिखते हैं, ठीक है, इन दोनों के कोड के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 था, पी का मतलब 2 होता है, सी का मतलब 3 होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या किया है, इसमें इसने ये किया है कि माइनस 2 कर दिया है, ठीक है, और इसमें इसने क्या किया है, माइनस 1 कर दिया है। तो हम ये चीज़ देखें तो हमारा चीज़ समझ में आ जाएगा, तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम ऐसे तो कर नहीं सकते, अगर ये तो ये तरीका अपना सकते हैं, यहाँ 4 था 2, यहाँ 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 आ जाएगा, उसी तरह यहाँ 13 या 14, फिर 15 आ जाएगा, उसी तरह यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब तरीके तो कई हैं, लेकिन आप ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसको देखेंगे और इसको समझेंगे तो लॉजिक आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस अब यहाँ 4 था, यहाँ 2 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 3 हुआ, तो कहीं ना कहीं इस 4 में इसने 2 को सबट्रैक्ट कर दिया है, और यहाँ पे 4 में इसने
वन को सबट्रैक्ट कर दिया है। अब इसी तरह अगर हम ओ को लिखना चाहें, ओ हमारा 15 होता है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर दो सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और 13 का मतलब क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। और यहाँ पे इसने 1 माइनस कर दिया है, अगर 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, और 14 का मतलब क्या होता है आपका, एन। तो जो हम जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, जो रूल देख रहे हैं, वो उसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम जी का देख लेते हैं, जी का अगर जी का देखेंगे तो यहाँ कितना है, 7। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ देखते हैं, अब यहाँ अगर हम माइनस 2 कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब आपको पता है कि हमारा ई होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6, और 6 का मतलब आपको पता है कि एफ होता है। तो ये चीज़ें आप देखिए, कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हो क्या रहा है। हो बस कुछ नहीं रहा है, बस ये है कि एक अक्षर के लिए उसने दो दो कोड लेना शुरू कर दिया है, बस और कुछ नहीं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, ठीक है। तो बस हम क्या करते हैं कि अब इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि अगर डॉग को ये लिखा जाता है तो आपको बताना है कि कैट को क्या लिखा जाएगा। तो बस अब आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका इसका यही है कि आप इनकी नंबरिंग करिए, ठीक है। नंबरिंग आप इसका नंबरिंग करेंगे, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो बस सेम प्रोसेस करना क्या है, यहाँ हम सी लेंगे, सी हमारा 3 है, ठीक है। अगर सी हमारा 3 है और इसमें हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है, -2, क्योंकि -2 ही तो हो रहा था। जब -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ए, और यहाँ पे आप -1 करोगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे आप माइनस, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 का मतलब कितना होता है, ए, यहाँ पे 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ आ जाएगा 2, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाएगा। ए के लिए देख लेते हैं, ये ए है, ए के लिए आपका 1 होता है। अब ए ऐसे है, अब आपको पता है कि ए के बाद, क्योंकि ए में अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए से लेकर जेड तक ही तो होता है लेटर हमारे। अगर ए के बाद आप जेड पे जाओगे तो जेड के बाद से फिर से ए ही आएगा, ए से जाओगे तो फिर जेड ही आएगा। तो कहने का मतलब इससे ज़्यादा तो हमारे पास कोई लेटर है नहीं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसमें -2 करिए। और -2 करने का मतलब ये है कि आप जब ए जाओगे, ए पे -2 करोगे तो ए जब लास्ट में ख़त्म होता है तो किस पे ख़त्म होता है, जेड पे, तो ए के बाद जेड और जेड से एक वाई। तो कहने का मतलब -2 करने पे कितना आएगा, माइनस ई आ जाएगा, ठीक है, आपका वाई आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचता है, ये आपका, क्योंकि आपको पता है टोटल हमारा 27 नंबर होता है, 27 में -2 करिए 25 आ जाएगा। तो 25 पे आने का मतलब क्या है, 25 पे हमारा क्या होता है, वाई ही तो होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तो बस यही करना है। नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लेटर लिख सकते हैं पूरा, ऐसे जेड तक, आपको क्लियर हो जाएगा, ये हो गया। अब इस 1 में अगर आप 1 को सबट्रैक्ट करोगे तो 1 में से 1 सबट्रैक्ट करो, इसका मतलब क्या है, 0, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर जेड आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, अब इसमें बचता है दूसरा, ये आपका टी, टी को भी ऐसे नीचे ही देख लेते हैं। तो यहाँ टी, और टी का मतलब कितना है, 20। अब इसमें यही करेंगे, यहाँ -2, अब 20 में से -2 जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 18, और 18 का मतलब क्या होता है आपका, 20 है, 20 में से ये जाएगा, तो 18 का मतलब आपका आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है, फिर यहाँ 20 में से अगर 1 को हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 19, और 19 का मतलब क्या होता है, 19 का मतलब S, ठीक है। तो यहाँ पे R और S हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। अब जिस तरह डॉग के लिए ये कोड होगा, ठीक उसी प्रकार कैट के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, तो वो यही होगा कि A, B, Y, Z, R, S। देखिए ये चीज़ें जब आपको तरीके समझ में आ जाएंगे, लॉजिक अभी तो बड़ी लग ही रही हैं, आपको टाइम देना पड़ रहा है इस पर, लेकिन जब आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए, और कहीं आपको लगता है कोई कमी है तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, और आप ये होमवर्क में करिएगा फिर बताइएगा, क्योंकि अभी तक आपने जिसने पढ़ा है उसी में से ये है। आप जब इसको करिएगा फिर आपको ये, जब आप इसको करेंगे फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ हम
कहाँ कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से कमियाँ हैं, कहाँ क्या है, तो फिर आप करेंगे। और मैं इसमें 5 होमवर्क दिया हूँ, वो वही चीज़ें हैं जो आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाई है और आज जो मैंने पढ़ाया है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ बिफोर, बिफोर के लिए जो हमारा कोड है वो ये यूज होता है, फेबेरो जो भी लिखा हुआ है आप उसको समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पे जंगल है, तो जंगल के लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे या फिर उसका कौन सा कोड होगा या फिर कौन सा लिखा जाएगा, तो उसके लिए आप एक ही काम कर सकते हैं। जब आप इसको अच्छे से नंबरिंग के द्वारा इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरा है डॉग, डॉग के लिए ये लिखा जाता है WLT, तो आपको लिखना है कि रेड के लिए क्या लिखा जाएगा। तो जब आप नंबरिंग करोगे या फिर प्रोसेस में करोगे, देखोगे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कर सकते हो। मेंटल, जो हमने डबल कोड पढ़ाया अभी, मेंटल के लिए ये लिखा जाता है इतना बड़ा सा कोड, तो टेस्ट के लिए क्या होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, प्रिंट के लिए ये यूज होता है, प्रिंट के लिए जो हमारा कोड यूज हो रहा है वो ये है कि R ये लिखा हुआ है हो, तो ये आपको बताना है कि ये कोड के लिए कौन सा वर्ड बनेगा। जैसे प्रिंट के लिए ये बना है तो समझ लीजिए ये है, ये है, तो इसको हम बनाएंगे तो हमारा कौन सा लिख कर आएगा, क्या वर्ड आएगा, आप उसको करना है। फिर आप लिखा है गार्डन, गार्डन के लिए ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ब्राइड के लिए क्या लिखा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बता भी दिया है, आज ही इन दो चीज़ों को, तो ये दो तीन चीज़ें तो आज ही की क्लास में बताई गई हैं आपको, आप करिएगा। और आप जब करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि चीज़ें हाँ अच्छी हैं, समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या चीज़ें दिक्कत हैं, आप उसको बताइए। और जो भी दिक्कतें हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं।